हेलो बच्चों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, तो यह पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड है। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको पीरियोडिक फंक्शन का आइडिया पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे अगर मैं बनाऊँ लेट सपोज साइन का ग्राफ बनाते हैं, आई थिंक आपको पता होगा साइन वगैरह का ग्राफ इस तरह का ग्राफ होता है साइन का ना, समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके। तो ये हमारे पास होता है मैक्सिमम वैल्यूज वाई इक्वल टू 1 से मिनिमम वैल्यूज वाई इज इक्वल टू -1, तो इसी के बीच में हमारे पास ग्राफ बनता है इसका साइन का। तो देखिए, तो ये जो साइन का वैल्यू है, ये जो ग्राफ ऐसा बना है, पहले मैं चलो यहाँ से इस ग्राफ को मैं देख रहा हूँ, इस ग्राफ को जिसको मैंने डार्क किया है ना, इस ग्राफ पे फोकस करते हैं। तो ध्यान से देखिए कि यही ग्राफ जो है फिर से आगे बनेगा कहीं ना कहीं जाके, कितना देर के बाद बनेगा, दिस पॉइंट इज 0, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा 2π होता है, ये हमारा 3। देखिए, तो यही जो सेम ग्राफ यहाँ पर बनाया है हमने, यही ग्राफ जो है वो यहाँ से फिर से आगे रिपीट हो रहा है यहाँ तक, है ना। यानी कि इसका पीरियड कितना हो गया सर, 2π हो गया, 2π के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जब भी हमारे पास कोई फंक्शन अगर fx पीरियोडिक है ना, तो उसका पीरियड अगर आप उसमें डालेंगे ना, तो फंक्शन जो है वो फिर से वही रह जाता है, फंक्शन जो है फिर से पूरी पड़ जाता है। अगर ऐसा हो गया तो टी को बोलते हैं यहाँ पे पीरियड ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को ऊपर आते हैं, पीरियड का आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था आपको, यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है, वी हैव टू इफ दिया है fx इज इक्वल टू 50 साइन इंटू 100 पाई प्लस 0.4 दिया है, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव कि f ऑफ 2 अपॉन 100 प्लस टी जो है वो f ऑफ t के बराबर है। तो मतलब आपको तो इस क्वेश्चन को चलो हम पीरियडिक जैसा भी देख सकते हैं कि इस फंक्शन का पीरियड जो है वो 2/100 है। तो कोई बच्चा अगर पीरियड निकालना जानता होगा तो आसानी से वो कर देगा कि सर इसका पीरियड जो है 2/100 है, इस तरह से इसका आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम इसको पूरा कर लेते हैं। देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है बेसिकली कि निकालना है फंक्शन में कि देखो यहाँ मैं यही मैं कर देता हूँ। यहाँ पर देखा है एफ ऑफ 2/100 प्लस टी इज इक्वल टू, तो हमने क्या है ना, ये हमारे पास fx दे रखा था ना, दिस इज fx, तो इसी में तुम क्या करो, t के जगह पे पुट कर दो 2/100 प्लस टी, जहाँ जहाँ पे t है ना, तो t के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम, 2/100 प्लस टी पुट कर रहे हैं। तो इस साइड पे भी जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या लिख लोगे, 2/100 प्लस टी लिख लोगे, तो लिख लो कितना हो गया 50 साइन ऐसे रह गया, 100 पाई जो हमारा है वो 100 पाई हमारा ऐसे ही रह गया 100 पाई जैसा, ठीक है। यहाँ देखो टी है, तो टी के जगह पे क्या पुट करोगे आप, 2/100 प्लस टी पुट किया हमने, देखना ध्यान से, ये मैंने सिर्फ टी के जगह पे लिखा है, टी के प्लस पे क्या लिखा है, 2/100 प्लस टी और 0.4 तो हमारा वैसे है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा ओपन कर लो, तो 50 साइन तो ऐसे रह गया हमारे पास, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 × π यहाँ 2π हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, 100π t आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 100π t और प्लस 0.4 को ऐसे छोड़ दो, है ना। आई थिंक ये एक फॉर्मूला सबको पता होगा ट्रिगोनोमेट्री में कि अगर हमारे पास साइन ऑफ 2π प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के ही बराबर होता है। साइन ऑफ 2π प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो देखो इस टोटल एंगल है ना, इसको तुम क्या मान लो, थीटा मान लो, स्टूडेंट को क्या मान लो, थीटा मान लो, तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2π प्लस थीटा हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल साइन थीटा के बराबर, मतलब 2π खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही वैल्यू रह जाएगा, क्या रह जाएगा, 50 साइन, ये वैल्यू रह जाएगा कितना है, 100π t प्लस 0.4। अब ध्यान से देखिएगा तो यही तो है ऊपर क्वेश्चन में, 50 sin 100π t प्लस 0.4, तो ये वैल्यू किसके बराबर, एफ ऑफ टी के बराबर। तो यहाँ क्या आ गया, एफ ऑफ टी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेकर चला था, एफ ऑफ 2/100 प्लस टी लेकर चला था, लेकिन किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ टी के बराबर आ गया, तो कहें कि हाँ हैंस प्रूफ्ड। इस तरीके से इसको प्रूफ कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू। अब सारे क्वेश्चन से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, देख लीजिए एक बार, ठीक है।